दिखाती हूँ, ये देखें इसके नीचे जो है वो कॉकटेल्स हैं, तो कॉकटेल्स के पास चला जाता है ये। हाय गाइस, वेलकम टू वीएम लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज जो है वो हम रोज़ जो हैं, मामा तो ग्रेपफ्रूटर रोज़ खाती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ग्रेपफ्रूटर रोज़ खाती हैं, दो या तीन, लेकिन मैं जो हूँ फ्रूट बहुत ज़्यादा कम खाती हूँ। लेकिन आज जो है वो मामा लेके आई हुई थी अनार, तो आज मैंने अपने लिए अनार निकाले हैं, तो मैं ये खाऊंगी। पहले मैंने मामा को इवनिंग में अनार का जूस बना के दिया था, तो अब जो है मैं ग्रेपफ्रूट काटने लगी हूँ मामा के लिए। पहले वो इनका इसका जूस पीती थी, लेकिन अब वो कहती हैं कि मुझे वैसे ही दे दिया करो, तो मुझे वो भी बहुत बेनिफिशियल है और बहुत अच्छा लगता है। और ये एक तो सबको ही पता होगा कि वेट लूज भी होता है इससे, और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जी गाइस, तो जो ग्रेपफ्रूट है उसके अंदर लो फैट है, इससे पतले भी होते हैं और हार्ट डिजीज़ जो हैं वो भी इम्प्रूव होती हैं, मींस के हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस भी कम होते हैं। और जो अनार है उसमें विटामिन सी पाया जाता है, और इसमें जो है वो हार्ट डिजीज़ इससे नहीं होती है, इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है। तो ये इनटेक हमें रखना चाहिए हमारी ज़िंदगी में, रोज़ के रोज़ जो है वो एक, अगर ज़्यादा नहीं तो आप एक ग्रेप फ्रूटर रोज़ का रोज़ खाएं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये। और आप पीछे देख रहे होंगे मक्कू को कि मक्कू क्या कर रहा है और हरकतें, क्योंकि उसका जो घर है वो पीछे ही है, और आप देख रहे होंगे कि उसके घर के अंदर जो है वो दूध का डब्बा पड़ा हुआ है, क्योंकि हम जब भी चाय बनाते हैं या दूध का डब्बा इधर पड़ा हो किचन में, वो घूमना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये ओपन में है, हम इसको बंद नहीं करते इसके घर के अंदर। इसको पहले बंद किया हुआ था लेकिन मैंने ओपन कर दिया था, उसके बाद जो है ये बिल्कुल इसको पसंद नहीं है कि मुझे कोई बंद करे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी वजह, वजह मैं आपको बताऊंगी, वो मामा और मैं दोनों बताएंगे आपको कि क्यों हम इसको ओपन एयर में रखते हैं, क्यों हमें खतरा नहीं होता कि ये कहीं चला ना जाए या ये कोई पंखे वगैरह में ना आ जाए। इसकी पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या वजह है। और ये बहुत ही लविंग है, आपने इसका व्लॉग पहले भी देखा होगा। तो जो है अभी तो रात को ये एक काम करता है कि अभी आपको नज़र आ रहा होगा ये आप लोगों के सामने अपने घर के नीचे चला गया है। अपने घर के नीचे क्यों गया है, क्योंकि इसके नीचे जो है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इसके नीचे जो है वो कॉकटेल्स हैं, तो कॉकटेल्स के पास चला जाता है ये, और रात को जो है ये यहाँ पे ही सो जाता है, केज के नीचे ही, अपने मतलब कि घर के नीचे ही सो जाता है, और उनसे बातें पहले करता रहता है जब तक लाइट बंद नहीं होती। 10:30, 11, 12 बजे तक हम लाइट ऑन रखते हैं, कई दफ़ा 12 बज जाते हैं, अदरवाइज 10:30 बजे तक बंद हो जाती है, तो ये सो जाता है। तो अब जो है मैं ग्रेपफ्रूटर को कट करती हूँ, और कट करने के बाद आपको जो है वो दिखाती हूँ, और रूट्स ज़्यादा नहीं इंटेक करती, अगर कर भी लूँ तो स्ट्रॉबेरीज जब आती हैं तो वो खा लेती हूँ, मैंगो खा लेती हूँ, वाटरमेलन भी खा लेती हूँ, और अभी जो है अनार आए हुए हैं तो अनार खा रही हूँ। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग कौन कौन से जो हैं वो फ्रूट्स खाते हैं, और किस किस का कौन सा फ्रूट फेवरेट है, क्योंकि जो है ना वो फ्रूट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्रूट्स आपको ग्लोइंग भी रखते हैं। और अगर आपका वैसे दिल नहीं कर रहा फ्रूट खाने को, तो ग्रेपफ्रूटर का जैसे मतलब कि ये तो पतले होने के लिए भी अच्छा है, तो सर्दियों में अक्सर हम जो हैं वो मोटे हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बिस्तर में रहते हैं, तो क्योंकि ठंड लगती है तो हम उसमें ही रहते हैं, ज़्यादा काम करने का दिल भी नहीं करता, तो इससे मोटे हो जाते हैं। तो ऑफिस गोइंग लोगों के लिए तो नहीं है ये बात, बट फ्रूट्स का इंटेक बहुत ज़रूरी होता है। तो ये ग्रेप फ्रूट का जूस भी निकल आता है, तो जूस बना के पिए,
अगर आप फ्रूट्स नहीं खाते वैसे तो, अदरवाइज आप फ्रूट्स खा सकते हैं वैसे भी। ये एक आप ले आएं और मतलब कि रोज़ के रोज़ खाएं तो ये बहुत बेनिफिशियल है। और जो अनार हैं, अनार भी बड़े अच्छे हैं, इससे आपको विटामिन सी मिलती है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, हार्ट अटैक आपको नहीं होता। तो फिर जब ये चीज़ें सारी होती हैं तो फिर हमें इंटेक रखना चाहिए इन चीज़ों का। तो मैं इतना नहीं खाती, तो मामा मुझे ज़बरदस्ती जो है क्या क्या के खिलाती हैं। तो जो है अब मैं फिर भी खाना शुरू, 2-4 दिन से हो गई हूँ शुरू। तो आप लोग भी इस चीज़ को शामिल करें और मुझे बताएं कि जो जो खाते हैं और कौन कौन सा फ्रूट उनका फेवरेट है। तो गाइस, उम्मीद है कि आप लोग भी जो हैं वो ये चीज़ें जो फ्रूट्स नहीं खाते वो भी खाना स्टार्ट करेंगे। और मैं बाकी भी, अगर आप चाहते हैं तो मैं बाकी फ्रूट्स का भी आपको बताऊंगी कि हम कौन कौन से खाते हैं और उनके क्या बेनिफिट्स हैं। तो जो है अभी मैं इसको छील कर आपको दिखाऊंगी कि मैंने छील लिए हैं और 3 है ये, मैंने आपको दिखाया है ना, तो छील के मैं आपको दिखाऊंगी कि ये इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई है और कितने मामा रोज़ खाती हैं। जी गाइस, तो ये देखें कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है इसकी। ये देखें, ये मैंने अभी एक के ऊपर एक रखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा आपको कम लग रहे होंगे, अदरवाइज़ आप चेक करें कि इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ये इनटेक करती हैं मामा रोज़। और साथ में मैंने जो है वो पिंक सॉल्ट, हमालिया नमक रखा है, और अपने जो अनार है उनके ऊपर भी हमालिया नमक डाला है। उम्मीद है गाइस आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और हमारी जो है वो रूटीन भी ये वाली अच्छी लगी होगी, फ्रूट्स खाने वाली। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर ज़रूर किया करें ताकि और भी लोग हमारी वीडियोस को देखें और जैसे आप खुश होते हैं वैसे ही वो भी खुश हों। थैंक यू, खुदा हाफिज़।